नमस्कार, आज मैं अपने घर के वॉशिंग एरिया में हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, पीछे बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं और आज मैं इस वॉशिंग मशीन के लिंट बॉक्स को साफ करने वाली हूँ और उसके बाद इस पूरी वॉशिंग मशीन को साफ करूँगी। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा खारापन है, जिसकी वजह से कितना भी अच्छा साबुन ले लो, वॉशिंग पाउडर ले लो, वो सब इसमें जमता रहता है। वॉशिंग मशीन का एक लिंट बॉक्स मैंने निकाला है और इसको मैं साफ कर चुकी हूँ सिर्फ पानी से, तो इसमें इतना सारा वॉशिंग पाउडर अभी जमा हुआ है। यहाँ से मैंने वो वाला लिंट बॉक्स निकाला है और दूसरा इसमें इस तरफ है, तो इसको मैं निकालती हूँ और आपको इसको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी ज्यादा लिंट इकट्ठी हो गई है। और उसके अलावा यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लिंट है इसका, और वॉशिंग पाउडर का जो अंश है वो हो सकता है। ये देखें कितना है, इतना इसमें जमा हुआ है। इसको साफ करती हूँ और इसके लिंट बॉक्स को भी साफ करती हूँ। देखो आप, इसमें इतना ज्यादा लिंट इकट्ठा हो चुका है। अभी मैं इसको सिर्फ रनिंग वाटर से साफ कर रही हूँ। इसको वैसे चाहो तो जो स्टील वूल आता है स्क्रबर, उससे साफ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं एक और चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभी लिंट बॉक्स साफ ना हो, डार्क कलर के कपड़ों में थोड़ा सा लिंट लग के वापस आ जाता है। इन दोनों को अब मैं इसमें वापस लगाती हूँ। ये लग गया एक तरफ का, ये लग गया दूसरी तरफ का। अब इसको फुल लेवल पर मैं पानी भरने के लिए लगाती हूँ। जब तक ये पानी भरेगा इसको बंद कर देते हैं। आपने अगर इस कवर की वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखना, क्योंकि ये बास्केट वैसे तो हमें खुली रखनी पड़ती है, लेकिन अगर कवर लगा दो तो इसके मल्टी यूज भी हम कर सकते हैं। ये दो पैकेट हैं, LG का इस पर लोगो है, मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है या नहीं, और पीछे इसमें किसी दूसरी लैंग्वेज में इसका यूज करने का तरीका लिखा है। कॉस्ट इसकी 150 रुपीज है। इसका एक पैकेट मुझे इसमें डाल देना है और फिर वॉशिंग मशीन को चलने देना है, पूरा साइकिल जो भी है उसका, और ये पूरी वॉशिंग मशीन को एकदम क्लीन कर देगा। तो अभी पानी भर रहा है, मैं इसको उसमें डाल देती हूँ और फिर देखते हैं कि वॉशिंग मशीन, उसका लिंट बॉक्स वाकई क्लीन होते हैं या नहीं। इस पैकेट को मैंने खोल दिया और इसके अंदर इस तरीके के क्रिस्टल्स हैं, दाने हैं, ऐसे लग रहा है जैसे शुगर होती है, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि शुगर मैंने अपने हाथ पर रखी हुई है। और अगर ये प्रोडक्ट कामयाब हो गया ना तो मजा आ जाएगा, वॉशिंग मशीन को साफ करना कितना आसान हो जाएगा। तो अब ये 50 मिनट का प्रोग्राम है और इसको बंद कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ और फिर देखते हैं कि ये वॉशिंग मशीन को कितना साफ करता है। पानी में घुलने के बाद तो कोई खास कलर उसका आया नहीं है, क्योंकि वो वाइट ही था। पानी पूरा भरने के बाद अब ये चल पड़ी है और इसमें कोई कलर चेंज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसको छोड़ती हूँ और 50 मिनट के बाद देखते हैं कि इसके लिंट बॉक्सेस कितने साफ होते हैं और ये खुद को कितना साफ करती है। तो ये पाउडर अपना काम कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी कितना टाइम रह गया है इस साइकिल को कंप्लीट होने में। इसमें रह गया है टाइम 18 मिनट, बहुत कम टाइम रह गया है। अब 3 मिनट्स, 2 मिनट, 1 मिनट और इसके बाद
साइकिल खत्म होने का लास्ट अलार्म भी बज गया है, इसको खत्म होने देती हूँ और इसके बाद अब मैं इसको खोलती हूँ और चेक करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तो वाकई काफी साफ लग रहा है, पहले जो कि मैंने हाथ से निकाल के दिखाया था ना आपको, तो ये तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि फर्क पड़ा है। इसको खोल के देखती हूँ कि ये अंदर से कैसा हुआ है। कुछ लिंट को निकाला तो है, यहाँ बहुत ज्यादा गंदा था, वॉशिंग पाउडर जमा हुआ था तो उसको साफ किया है इसने। और ये वाला देखें, ये वाला पोर्शन इसको देखें। हाँ, अब अगर मैं इसको स्टील वूल से साफ कर दूंगी तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा साफ तो हो जाएगा। हमें जल्दी जल्दी यूज करना चाहिए, मंथ में एक बार या दो बार, ऐसा ही शॉपकीपर ने भी बताया था। तो जितना मेरा लिंट बॉक्स का बुरा हाल है उतना शायद नहीं होगा, तो अब मैं आगे इसको फ्यूचर में रेगुलर यूज करूंगी।